हमको काहे लो फंसाते हैं, मतलब आप सर चुप बच रहे हैं, आपके चुप्पी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल हो रहे हैं खड़े। सुशील मोदी ने कहा कि मांझी जी आप चुप क्यों हैं, जब हर बार वो सवाल उठाते थे गरीबों की जब मौत होती थी या फिर दाढ़ी की बात हो या फिर शराब की बात हो। लिखा परदेश किस्मत में वतन का हाल का होगा, और जहाँ बेदर्द मालिक हो वहाँ फरियाद क्या होगा। सर मांझी जी इसका बड़ा अर्थ समापन है। समापन ये किस पर था सर? ये चीज़ और समापन इस बार वंदे मातरम से नहीं हुआ, इसको लेकर बीजेपी के लोग निशाना कर रहे हैं। वो तो अपना अपना ही है। नहीं एक बात है, शराबबंदी का जहाँ तक सवाल है, घटना बहुत जघन्य है, खराब है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और रिपीटेड घटना हो रही है। बिहार सरकार इस पर सचेत है, वो कोशिश कर रही है फाइंड आउट करने के लिए, SIT का गठन हुआ है और कार्रवाई हो रही है। बावजूद उसके एक इशू पर हम सरकार को ज़रूर सजेस्ट करना चाहेंगे कि शायद 16 में भी इस प्रकार की घटना घटी थी तो मुआवजा मिला था, इस घटना में भी मुआवजा देना चाहिए। सर 38 लोगों का ही आंकड़ा बता रही है प्रशासन, जबकि वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि उन्हें जबरदस्ती जलाया गया, उनके परिजनों को जलवाने पर दबाव बनाया गया, आंकड़ा जो है उस पर सर विवाद। वो तो जांच का विषय है, हम तो पहले ही कहा कि जांच SIT गठित हुआ है, वो जांच का विषय है कि या 8 मरा है, 38 मरा है या 108 मरा है। क्या लगता है आंकड़ा सर बढ़ सकता है? विपक्ष लगातार इन बातों को कह रही है। अब वो अलग बात है, जाँच हो रही है, सरकार जाँच करवा रही है और जाँच के उपरांत जो बातें आएगी वो स्थिति से।